Today we are going to start session number 4 of chapter number 7, Triangles, and we'll go through two other criteria which is very important criteria for congruence. First one is SSS congruence rule, side. Agar tino sides equal hai dono triangles ke, corresponding sides, to dono triangles congruent hai. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. So let us take two triangles, triangle ABC and triangle DEF, in which AB is equals to DE and AC is equals to DF and BC is equals to EF. तो ये दोनों triangles हैं और इनके जो corresponding sides हैं सब equal हैं. AB equals to DE और AC is equals to DF and BC is equals to EF. What we have to show, these two triangles congruent. इसमें एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. विल ड्रॉ दिस एंगल, एंगल ए बी सी हियर एंड एंगल ए सी बी हियर, सो दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी. उसके बाद डी जी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग. सो सपोज बी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ ई जी ई जी सच दैट एफ ई जी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सिमिलरली ई एफ जी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. तो नेक्स्ट पेज में मैं इसका कंस्ट्रक्शन दिखलाऊंगा. यहां से और यहां से दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. उसके बाद दोनों जी पे इंटरसेक्ट हो गया. नाउ विल ज्वाइन डी जी. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दिस टू ट्राइंगल्स ए बी सी और ए बी सी ट्राइंगल और जी ई एफ, ये दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. So we'll take in triangles ABC and triangle GEF, we have angle, sabse pehle BC is equals to EF, next angle CBA is equals to angle FEG by construction, another pair, ye dono angles equal hoga, angle BCA is equals to angle EFG. So now these two triangles are congruent by which criteria? ट हो गया तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ हो जाएगा और ए बी इज इक्वल टू जी ई और ए सी इज इक्वल टू जी एफ बाय सीपीसीटी. सीपीसीटी सर, राइट 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 राइट. नेक्स्ट सी ए बी इज इक्वल टू डी ई ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ ए बी डी ई. सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू डी एफ, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैन राइट डी एफ इन प्लेस ऑफ ए सी. वाई? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ. नाउ विल टेक अप दिस ट्राइंगल ई डी जी, ये वाला ट्राइंगल हम लोग लेंगे. उससे पहले सी ऑलरेडी हम लोग अभी शो कर दिए कि डी ई और जी दोनों बराबर है, डी ई इज इक्वल टू जी ई, सो दिस विल इंप्लाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल. व्हाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल? एनीवन? एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड, इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड. ओके ओके फाइन. नाउ इसको दोनों को मार्क कर दिया एंगल वन. सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय यूजिंग द सेम रीजन, ये दोनों को टू टू मार्क कर दिया. अब ये वाले एंगल का वैल्यू एंगल वन प्लस टू है, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल वन प्लस एंगल टू, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. सो नेक्स्ट स्टेप, एंगल ई जी एफ is equals to angle EDF, both are equals to angle 1 plus angle 2. लेकिन हम लोग ऑलरेडी पिछले स्टेप में ये दोनों को इक्वल शो किए थे, एंगल ए और एंगल ई जी एफ, सो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. सो एंगल ई डी एफ को मैं कंप्लीट एंगल डी मान के चल रहा हूं, सो दैट विल दिस विल इंप्लाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. नाउ वी विल टेक अप द ओरिजिनल टू ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ. इसमें ए बी इज इक्वल टू डी ई ऑलरेडी इट इज गिवेन, ए सी इज इक्वल टू डी एफ
that is also given. And we have shown that angle A is equals to angle D here. So ये दोनों congruent हो जाएगा by which criteria? Triangle ABC. SSS. SSS. SSS तो proof कर रहे हैं हम लोग. AB is equals to DE, AC is equals to DF, and angle A is equals to angle D. SS criteria, right? SS. So ये हो गया हम लोग का proof. Now we'll see one example. AB is a line segment and P and Q are the points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from AB. तो AP is equals to BP होगा और AQ is equals to BQ होगा. Equidistant means equal distance, एक समान distance. Show that PQ is the perpendicular bisector of AB. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला triangle जो है PAQ और PBQ को congruent proof करेंगे. So we'll take triangle PAQ and triangle PBQ. AP is equals to BP given and AQ is equals to BQ, this is also given, and PQ is common. Now these two triangles are congruent. Why? By which criteria? Sir, SSS. Right. Side. SSS criteria. These two triangles are congruent. SS criteria. Okay. Now if these two triangles are congruent, these two angles are equal. By CPCT, angle APQ is equals to angle BPQ. Now we'll take this small triangle PAC and triangle PBC. ये दोनों ट्राइंगल में AP is equals to BP already given है, यहां पर भी लिए हम लोग. Now APQ, see carefully, APQ is equals to BPQ already shown here. APQ or APC both are same. Similarly, angle BPQ and angle BPC are also same angle. So we'll come to the conclusion that angle APC is equals to angle BPC. Why? Because angle APQ is equals to angle BPQ. Proved above. Now the next part is the last one is PC is equals to PC. Common. So ye dono triangles congruent ho jayega. By which criteria? ये दोनों साइड और ये कॉमन एंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल है. कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल इक्वल है. बाय व्हिच एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सो एसी इज इक्वल्स टू बीसी हो जाएगा बाय सीपीसीटी. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. एंड एंगल एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल बीसीपी. So the reason is same, CPCT. Now what is the sum of these two angles? 180 degrees. So by linear pair the sum of these two angles is 180 degrees and both are equals to each other. So kya ho jayega, 2 times of angle ACP is equals to 180 degrees. So angle ACP will be equals to 90 degrees. Let it be equation number 2. So from 1 and 2 you can easily conclude that PQ is the perpendicular bisector of AB. क्योंकि ये perpendicular भी है और इसको bisect भी कर रहा है. Now we are going moving towards very important theorem, that is RHS congruence rule. What is the full form of RHS? Mute कर लो. Right angle, R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side. That means दोनों triangle में अगर एक right angle है, hypotenuse equal है और कोई side equal है तो other than hypotenuse वो दोनों congruent होगा. So I am reading the statement. If in two triangle, right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. So we'll take two right triangles first, triangle ABC and triangle DEF. In this, angle B is equals to angle A, both are 90 degrees, and BC is equals to EF, and hypotenuse, both hypotenuse are equal, that is AC is equals to DF. What we have to show, these two triangles congruent.
अब हम लोग इसमें एक छोटा से कंस्ट्रक्शन करेंगे. व्हाट वी विल डू, हम लोग DE को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे सच दैट दिस टू साइड्स आर इक्वल. सी, रिड्यूस DE टू G सच दैट GE इज इक्वल टू AB. AB के इक्वल हम लोग यहां पे बनाएंगे, उसके बाद GF को ज्वाइन कर देंगे. सी, DE को G तक प्रोड्यूस किए सच दैट AB इज इक्वल टू GE एंड देन ज्वाइन GF. कंस्ट्रक्शन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके ओके. अभी पिछले थ्योरम में हम लोग जैसे प्रूफ किए थे उसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे. सी हाउ यू हैव टू प्रूफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड GEF. दिस टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एंगल्स इक्वल है. वाई वाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल each? Both 90 degree. Each 90 degree. Okay. And AB is equals to GE each by construction. Next, BC is equals to EF. It is given. So, by which criteria these two triangles are similar, congruent? SAS criteria. Very good. SAS criteria. Right. Now, if these two triangles are congruent, so angle A will be equals to angle G and AC will be equals to GF. Why? By CPCT. Okay. देखो सभी लोग माइक म्यूट करो क्योंकि कुछ किसी को अनम्यूट हो गया, नॉइज आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, AC is equals to GF है यहां पर CPCT से, बट AC किसके बराबर है, DF के. सो दैट मीन्स दिस टू विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, AC is equals to GF एंड AC is equals to DF given. सो दिस विल इंप्लाई GF is equals to DF. अब ये इंप्लाई करेगा कि एंगल D और एंगल G इक्वल होगा. वाई दिस विल इंप्लाई एंगल G is equals to एंगल D. Why? Opposite sides of equal triangles. No, opposite sides. Angles opposite to equal sides. Right. Okay. Angle G और angle D equal हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या show किए थे, यहाँ पे angle A is equals to angle G and G is equals to angle D. What you can conclude from this two? Angle A is equals to angle G. एंड एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी. ये दोनों से क्या कंक्लूड करोगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए. राइट, वेरी गुड. सो दिस विल इंप्लाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज एंगल जी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए. नेक्स्ट, अब हम लोग ओरिजिनल ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल. इन दिस टू ट्राइंगल्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ऑलरेडी प्रूव्ड है वो, एंड BC is equals to EF, it is given, and angle B is equals to angle E, both are equals to 90 degree. So these two triangles are congruent by which criteria? AAS. Right. Angle side. AAS. By AAS criteria. So ye ho gaya. This is the proof of RHS congruence rule. Now we'll see one theorem, example. P is a point equidistant from two lines, line L and line M, that is PB is equals to PC, intersecting at point A. Show that the line AP bisects the angle between them. So हम लोग क्या करेंगे, दोनों triangles को congruent proof करेंगे पहले. So we'll take triangle PAB and triangle PAC. What is given? PB is equals to PC. यहाँ पे already दिया हुआ equidistance. Next, these two angles are equal. Why? Each 90. Yes, each 90 degree. Now AP is common. So these two triangles are congruent by which criteria?
वेट, देखो तुम लोग यहाँ दो साइड और एक एंगल देख के SAS बोल रहे हो, बट ये जो साइड है, ये जो एंगल है, दोनों साइड के बीच में नहीं है. सी केयरफुली, PA इज द हाइपोटेन्यूज एंड एक राइट एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, एक पेयर. तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा बाय विच क्राइटेरिया? RHS congruence rule. So if these two triangles are congruent, angle PAB is equals to angle PAC. यही प्रूफ करना था हम लोग को कि AP ये दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है करके. So example is over. Now we are going to start first next exercise, first question. This is the first question of next exercise. Total 5 questions है, जिसमें ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है और उसके बाद मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा. सी केयरफुली, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड डी बी सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. तो ए बी और ए सी इक्वल है इसमें और बी डी और सी डी इक्वल है इसमें. और हम लोग को फर्स्ट प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. So we'll take those two triangles first. क्योंकि ABC is an isosceles triangle है, इसलिए AB is equals to AC होगा. Similarly, BDC is an isosceles triangle, so BD is equals to CD. And AD is common. AD is common. So these two triangles are congruent by which criteria? Isosceles triangle. SSS. Right. So these two triangles are congruent by SSS criteria of congruency. Next, if these two triangles are congruent, angle BAD is equals to angle CAD. These two angles are equal. और ये दोनों angles को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, BAP is equals to CAP. आगे हम लोग use करेंगे ये दोनों को. Next. सेकेंड बिट, सेकेंड बिट में हम लोग को ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी प्रूफ करना है. मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. सो विल टेक दिस टू ट्राइंगल्स. नाउ एंगल ए बी, एंगल बी ए पी जो अभी प्रूफ किए थे हम लोग, सी केयरफुली, बी ए डी, सॉरी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्रूफ किए थे. That I am going to use here, but उससे पहले हम लोग लिखेंगे AB is equals to AC. It is given. Next, angle BAP is equals to angle CAP. Why these two angles are equal? Because angle BAD same angle है BAP का और angle CAD जो CAP जो है angle CAD दोनों equal है. Using equation A, जो पिछले equation में हम लोग A लिए थे उसको यहाँ पे last में. We took as a so यहां तक हो गया. Now AP is common. AP is common. So these two triangles are congruent by which criteria? SAS congruency. Very good. SAS criteria of congruency. So if these two triangles are congruent, BP is equals to CP by CPCT. उसको B equation ले लिया. दोनों बिट हो गया अभी. हम लोग अब थर्ड बिट में क्या प्रूफ करना है? एपी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. दैट वी हैव टू शो. सो फर्स्ट विल टेक एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी. ऑलरेडी यहां पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. सो एक पार्ट हम लोग का यहीं पर हो गया. दूसरा हम लोग को शो करना है कि एपी जो है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो हम लोग को ये दोनों एंगल इक्वल शो करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विल शो दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. कौन कौन सा? बीडीपी और सीडीपी, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट शो करेंगे. सो विल टेक फर्स्ट दिस टू ट्राइंगल्स. इसमें बीपी इज इक्वल टू सीपी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहां पर, और BD is equals to CD दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि BDC is an isosceles triangle.
और DP इसमें कॉमन है. सो फर्स्ट विल टेक BD इज इक्वल टू CD. रीजन इज दैट ट्राइंगल BDC इज एन SSLS ट्राइंगल. सेकेंड DP इज कॉमन. थर्ड BP इज इक्वल टू CP, दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड हियर. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय विच क्राइटेरिया? वेरी गुड. दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी. सो इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएगा. एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT. दैट मीन्स DP जो है वो एंगल D को बाइसेक कर रहा है. और DP और AP सेम लाइन है, इट बिलोंग्स टू सेम लाइन. सो दिस विल इंप्लाई AP बाइसेक्स एंगल D. तो थर्ड बिट में यही शो करना था, AP बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज AP बाइसेक्स एंगल D. नाउ फोर्थ बिट. फोर्थ बिट में हम लोग को ये शो करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. क्लियर है? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये ऑलरेडी शो किए हम लोग पार्ट टू में, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT एंड दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल बाय CPCT. बट वॉट इज द सम ऑफ दिस टू एंगल्स? 180 degree. दोनों इक्वल भी है और 180 भी है, तो ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो वो हम लोग शो भी कर सकते हैं. वी कैन रिप्लेस एनी वन बाय दिस. तो मैं भी एंगल APC की जगह पे इसको लिख देता हूँ. अभी ये टू टाइम्स हो गया. So angle APB will be equals to 180 by 2, that is 90 degree. Otherwise you can write directly also, क्योंकि ये दोनों angles equal है, दोनों का sum 180 degree है. We can write directly that will imply angle APB is equals to 90 degree. So 90 ये वाला perpendicular भी है और इसको bisect भी कर रहा है. That means AP is a perpendicular bisector of BC. Whether this first question is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, we'll sir. Move towards second question. We'll move towards second question. Mute कर लो सब लोग. Second question पे आ गए हम लोग. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. Show that AD bisects BC. And AD bisects this angle also. So this is very easy question. हम लोग को ये दोनों triangles को congruent proof करना पड़ेगा. So सबसे पहले ये दोनों triangles ले लेते हैं. So in these two triangles AB is equals to AC, it is given. And ये दोनों 90 degree है क्योंकि AD perpendicular दिया हुआ है. And AD is common. Now these two triangles are congruent by which criteria? RHS. Okay, very good. These two triangles are congruent by RHS rule of congruency. Next, अगर ये दोनों congruent है तो BD is equals to CD होगा. Why? CPCT. Right. And these two angles are also equal. तो BD इज इक्वल टू CD मीन्स AD bisects BC. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड के लिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी CPCT. सो दिस विल इंप्लाई AD bisects एंगल A. ये दोनों बिट्स हो गया. किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके, हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव हो रहे हैं. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टू साइड्स AB एंड BC. AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. Okay. Next,
अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ए बी एम इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एम. सबसे पहले मीडियन ए एम मीडियन दिया हुआ है. मीडियन क्या होता है, व्हाट इज मीडियन? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, है ना. तो इसका मतलब है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. सो फर्स्ट AM is the median of triangle ABC will imply BM is equals to MC is equals to half of BC. Let it be equation number A. Similarly, PN is the median of triangle PQR and that will imply QN is equals to NR is equals to half of QR. Let it be equation number B. Now, BC is equals to QR question mein diya hua hai. तो हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर भी इक्वल होंगे. हाफ ऑफ बी सी की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग बी एम और हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्यू एम. नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस टू ट्राइंगल्स. फर्स्ट बिट जो प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ले रहा हूं. इस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए एम इज इक्वल टू पी एन दिया हुआ है एंड वी हैव शोन दैट बी एम इज इक्वल टू क्यू एन. So these two triangles are congruent by which criteria? SSS. Very good. SSS criteria. अब हम लोग को प्रूफ करना है फुल ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. फुल ट्राइंगल तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग इसका यूज करेंगे. हम लोग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. वाई साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल. नो, फिर से देखो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना, ए बी एम और पी क्यू एम. सो एंगल पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी. अब मैं फुल ट्राइंगल्स ले रहा हूं. देखो अब नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है. नाउ इन फुल ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवेन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड अबव and BC is equals to QR, this is also given. So these two triangles are congruent. By which criteria? SAS. Okay, very good. Very good. SAS criteria of congruency. So, हम लोग का third question हो गया. Now only two questions left. So let us move towards question number 4. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. फिगर ड्रॉ कर लेते पहले. दिस फिगर इज ऑलरेडी फैमिलियर विथ यू. यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो आर एच एस का ही यूज करना है. हम लोग विदाउट आर एच एस प्रूफ किए थे पिछले एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में हम लोग ए ए एस यूज करके प्रूफ किए थे. यहाँ पे आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल ही यूज करना है. सो what we will do, we'll show first these two triangles congruent. Kaun kaun sa triangle BEC or triangle CFB. Isme ye dono angles 90 degree hai and BC is common to both the triangles and BE is equals to CF it is given. So these two triangles are congruent by which criteria? ये दोनों कॉन्ग्रेंट है बाय विच क्राइटेरिया? आरएचएस. आरएचएस आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया. सो दैट दिस विल इंप्लाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. व्हाई? सीपीसीटी. नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो दैट विल इंप्लाई एबी इज इक्वल टू एसी. व्हाई? Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Very good, very good. Side opposite to equal angles are equal. So that means triangle ABC is an isosceles triangle. Any doubt in fourth question? No, sir. Okay. Now we are moving towards the last question of the exercise and last question of today's session. ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC.
draw AP perpendicular to BC and show that angle B is equals to angle C. So this is the figure. हम लोग question according to question we have drawn AP perpendicular to BC and we have to show that angle B is equals to angle C. उसके लिए हम लोग को पहले दोनों को congruent prove करना पड़ेगा. So we'll take these two triangles. What is given? AB is equals to AC and these two angles are equal. Why these two angles are equal? Linear 90 degree. Yes, each 90 degree. Each 90 degree. Okay, okay. And AB is equals to AC, this is given. And AP is common to both the triangles. So these two triangles are congruent by which criteria? RHS. Very good. RHS rule of congruency. Now, if these two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So angle B is equals to angle C by CPCT. So we have completed this exercise. Now this is the last question of today's session. Now we will move towards the next section, that is assignment questions. So 7 questions hain. Ek abhi 1 ghante ke baad main isko upload karunga. Otherwise if you want to take screenshot you can take. 1 ghante baad main upload karunga and you can watch once again for better understanding. So now I will take attendance. You have to wait. So that's all for today's session. Thank you very much. Whatever questions we did, is there any doubt? If you want to ask, let me know. No sir. Anyhow, I will upload in YouTube channel after 1 hour. You can watch once again for better understanding.